और मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज से हिंदू नववर्ष शुरू हो गया है। तो हिंदू नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फूल फूल खा जा, फूल फूल चो आज भरो, फूल फूल चो खा जा, खा जा फूल फूल चो, दे बुढ़ई दे दे माई, दे दे माई, वो चाचिन तो मतलब बुढ़ई बुढ़ई नहीं बोला। सबसे पहले सभी दगले होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पूजा नारायण ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले आप सबको फूलदेई त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस फूलदेई त्यौहार की सबसे खास बात ये होती है कि जब बहू का ससुराल में फर्स्ट फूलदेई त्यौहार होता है तो कहते हैं वो सासू का चेहरा नहीं देखते हैं, मतलब फर्स्ट साल सासू का चेहरा नहीं देखते हैं। इसलिए जब मेरी फर्स्ट फूलदेई थी तो उस टाइम मैं गांव की साइड, तो फर्स्ट फूलदेई पे सब लोग मायके जाते हैं, तो यहाँ से मायके जाना तो बहुत दूर हो गया था, इसलिए मैं अपनी दूसरी वाली दी के घर चली गई थी फर्स्ट फूलदेई पे। कल रात भी उसका फ़ोन आया था कि कल त्यौहार खाने के लिए आना, फिर भी देखते हैं जाते हैं या नहीं। और गांव साइड इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज सारे विलुप्त होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गांव साइड सब लोग ऐसे त्यौहारों को मानते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि कोई अलग ज़िले से है, कोई अलग ज़िले से है, तो कहीं ऐसे त्यौहारों को नहीं मानते, कहीं मानते हैं। और यहाँ पे जब बच्चे दूसरों के घरों में जाएंगे ऐसे मांगने के लिए, तो जिनको पता नहीं होगा, जो लोग नहीं मानते होंगे, वो लोग कहेंगे ये क्यों आ रखे हैं घर में। इसलिए ऐसे धीरे 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 करके समाप्त होते जा रहे हैं पुराने रीति रिवाज, पुराने त्यौहार। तो अब मैं बनाती हूँ पूरी पकौड़ी और खीर वगैरह जो भी बनेगा। और हमारे घर में आदि तो सबसे पहले आ गया है, लेकिन बिनु लोग अभी उठे नहीं, तो अभी थोड़ी देर में वो लोग भी आएंगे। फूल फूल खा जा, फूल फूल चो आज भरो, फूल फूल चो थोड़ा थोड़ा, फूल फूल चो देव देई दे दे माई, पकड़ो। ये क्या है? ये क्या है? चावल है। ये क्या है? ये क्या है? क्या है? संतरा। संतरा हो गई। थोड़ा थोड़ा बैच अब यहाँ पे। अब यहाँ पे बच, अब वहाँ हो गया। अच्छा मंदिर बज रही हो फोन कुंडी खुली छो, जय भगवान जी बोले, बच हो गया। फूल 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 चो फेंक फेंक दे दे माई, सारे सपे चो सब दे दो, ले तो ले कितना देना? और देना? हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, बच हो गया। एक दोनों को ऊपर निकाल, इसमें डालो। एक पेंची भी दो रे इसको, एक पेंची भी दे दो बोल। वन रुपीज अब इसमें डालो, जान हो जा। ओके बोल। पाँव छुएगा? पाँव छू दे, पाँव छू दे, ताई के ताई के मेरे ताई के जान, मेरे भी मेरे भी जान हो जा। चल खा जा, फूल फूल चो दे माई, सफेद चो
सफेद सौ देना है या सारे देना है? सारे नहीं देना, बस सफेद देना। दूसरा ले, बाद में निकाल लेना। हो गया, मिल गए? कितने मिले? इधर जा, इधर इधर से। अच्छा वहाँ पे भी रख दे जा, वहाँ के दरवाजे पे भी रख दे थोड़ा सा। हाँ वहाँ पे। हमने पूरी पकौड़ी भी खा ली है और मतलब नाश्ता भी हो गया है हमारा। तो उसके बाद मिस्टर जी भी चले गए थे और मैंने धोए कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे मेरे भी, मिस्टर जी के भी। तो मैं इन कपड़ों को धूप में डाल के आती हूँ। बाकी मेरा जो यहाँ वाला मायका है वहाँ से मुझे लगातार फ़ोन आ रहा है कि आजा संग्रांत खाने। तो कपड़े धूप में डालने के बाद मैं चलती हूँ अपने मायके। तो मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके और यहाँ पे बन रखी है, क्या क्या डिश बन रखी है दिखाती हूँ मैं। ये बन रखी है पटोरी, और क्या है, और भी पटोरी है, और कुछ नहीं बना रखा इन्होंने, और इन्होंने कुछ नहीं बनाया। हाँ बोल बोल बोल। आपको ना अंधेरे में ना भूत की मूवी देखनी है, अगर आप डर गए तो आप आउट हो गए, नहीं डरी तो नहीं डरी तो आप जीत गए। ये मुझे छोटा मोटा सा ऐसा ही वाला है। हाँ, ये ऐसे ऐसे वैसे हॉरर मूवी नहीं देखनी, नन देखनी है। लखा ले। तो यहाँ पे खीर वगैरह नहीं बन रखी है, यहाँ पे सिर्फ पटोरे बन रखे हैं। मुझे तो लगा यहाँ पे बहुत सारे व्यंजन बन रखे होंगे। हमारा डिनर भी हो गया है और मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आज से हिंदू नव वर्ष शुरू हो गया है। तो हिंदू नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। हिंदू नव वर्ष आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।